नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। मैं राशिद अली। अपने बयानों से कई नेता ऐसे हैं जो चर्चाओं में रहते हैं और शायद उनके बयान सुनकर ही उनके नामों का अंदाजा लगाया जा सकता है। जी हाँ, ऐसे कई नेताओं को आप जानते होंगे, जब जो भी बयान देते हैं तो मानो सनसनी फैला देते हैं, चर्चा बटोर लेते हैं, हर ओर उनके बयान की चर्चा होती है। और ऐसा ये नहीं कि ये नेता केवल एक ही पार्टी के हैं, बल्कि ऐसे नेता सभी पार्टी में होते हैं, बस किसी में कम और किसी में ज्यादा होते हैं। तो वहीं एक ऐसे ही नेता हैं जिनको लेकर एक चर्चा आजकल हो रही है, और वो नेता आपने उनका नाम सुना होगा, आरएसएस के प्रमुख हैं मोहन भागवत। और उन्होंने एक ऐसा ही बयान दिया, आखिर वो क्या बयान दिया है वो मैं आपको बता दूं। उससे पहले कि मोहन भागवत वो नाम है जो अपने बयानों की वजह से हमेशा चर्चा में रहते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समय समय पर ऐसे बयान देते आए हैं जिनको, जो आपने ज़रूर सुने होंगे। अगर आप मोहन भागवत को सुनते होंगे, अगर देखते होंगे, तो ज़रूर उन्होंने कई दशकों से वो ऐसे ही बयान देते आए हैं जिसमें पता चले कि हाँ, इनके बयान ज़रूर सनसनी मचाने वाले हैं। तो ऐसा ही एक बयान सामने आया, मैं आपको दिखा दूँ। खबर है तो इसलिए फेसबुक पर नहीं आएंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। जाहिर सी बात है, सोशल मीडिया से तो सारी दुनिया जुड़ी हुई है, तो ये क्यों नहीं आते या ये क्यों नहीं आएंगे? जाहिर सी बात है, सोशल मीडिया तो आजकल हर माध्यम पर हावी हो रही है। जितनी जो काम मीडिया नहीं कर पा रहा है, वो आजकल सोशल मीडिया कर पा रही है, क्योंकि सोशल मीडिया ने समूची दुनिया को एक समेट कर रख दिया है। जी हाँ, अगर किसी को अपनी बात कहनी हो, किसी को अपने ऊपर अत्याचार सहने हो, या कोई किसी से अगर नहीं कह पा रहा हो, तो वो ऐसे ही सोशल मीडिया पर अपनी बात रख सकता है, और उस पर बहुत जल्दी एक्शन भी होता है, क्योंकि वो सबकी नज़रों में आ जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तेज़ी से सोशल मीडिया का दौर चला है कि अपनी बात कहने का, अपनी बात को आगे बढ़ाने का, प्रचार करने का, लोगों को जागरूक करने का, अगर किसी पे जुल्म व सितम हो रहे हैं उसको पहुंचाने का, या किसी को उसके की सज़ा दिलाने का, किसी के साथ कोई अपराध है उसको बताने का, जाहिर सी बात है और होना भी चाहिए। लेकिन जिस तेज़ी से इसका सदुपयोग हो रहा है, उस तेज़ी से इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। आप जानते ही होंगे कि सोशल नेटवर्किंग आजकल कई लोगों को इसका इतना दुरुपयोग हुआ है कि कई लोग इसे इसकी वजह से अपनी जान तक दे चुके हैं। कई लोग ऐसे हैं जो मानो सोशल नेटवर्किंग का दुरुपयोग करके ना जाने कैसे कैसे लोगों की बदनामी कर देते हैं। किसी का उन्होंने कुछ शूट कर लिया तो सोशल मीडिया पे अपलोड कर लिया, किसी की निजी ज़िंदगी हो उसे सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया, तो इस तरह से दुरुपयोग होता है। और ज़्यादा कहे जाने वाले यानी कि सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर हमले जो कि नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, हमले हो गए या फिर व्यक्तिगत राय हो गई, ये इस तरह के हमले होते हैं जो कहीं ना कहीं आदमियों को ऐसा दुख पहुँचाते हैं। जी हाँ, और इसीलिए हम बात करते हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की। आरएसएस प्रमुख ने फेसबुक के नाम को भी गलत बताया। उन्होंने कहा कि फेसबुक के नाम से ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत तौर पर यह आपके चेहरे के लिए एक मंच है। जी हाँ, इसे अर्थ में देखा जाए तो लोग और ज्यादा आत्म केंद्रित होते जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जब इसे देखा जाता है तो लोग इस पर आत्म केंद्रित यानी कि आत्मनिर्भर होते जाते हैं। और इसी को लेकर मोहन भागवत ने कहा है कि एक व्यक्तिगत तौर पर यह आपके चेहरे के लिए एक मंच है, जो कि अपनी बात को कहने के लिए एक आपका मंच साझा करता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस पर निर्भर होने लगते हैं। और आगे पढ़ते हैं कि आखिर इस खबर में है क्या। एक तरफ जहां सोशल मीडिया के जरिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख आरएसएस के प्रमुख जोर शोर से अपना प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आरएसएस प्रमुख चीफ मोहन भागवत का सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट नहीं है। वाकई हैरानी की बात होगी कि आखिर इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा नाम, और सोशल मीडिया पर उनका कोई भी अकाउंट नहीं है, और फिर भी वो कैसे इतना बड़ा प्रचार कर लेते हैं। भागवत ने खुद इसका खुलासा किया है कि आखिर क्यों वो भी फेसबुक और ट्विटर पर नहीं आएंगे। जी हाँ, उन्होंने खुद कहा है कि आखिर वो फेसबुक और ट्विटर यूज नहीं करेंगे तो ऐसा क्यों, ऐसा कौन सा डर सता रहा है मोहन भागवत को कि आखिर वो इस सोशल मीडिया के दौर से, जहाँ आज का दौर सोशल मीडिया का दौर कहा जाने वाला है, क्योंकि ये माध्यम और माध्यमों पे भारी पड़ रहा है।
जी हाँ, ये संचार का माध्यम, जनसंपर्क का माध्यम, सोशल मीडिया जो कि सारे माध्यमों पे भारी है, और इस माध्यम से मोहन भागवत दूर रहना चाह रहे हैं। मोहन भागवत की अगर माने तो उनका कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कि जो उनके बारे में कहा गया है, उन्होंने सोशल मीडिया का मतलब सिर्फ अपनी बात करना है और मुझे हर मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त करनी होगी। यानी कि उन्होंने ऐसे कहा है, और वो आगे क्यों नहीं, इसका क्या कारण है? जी हाँ, आरएसएस के मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर और पांचन्य के एडिटर से बातचीत के दौरान भागवत ने यह बातें कही। उन्होंने बताया कि लोग अक्सर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दूसरों पर अपनी राय थोपने की कोशिश करते हैं, यह जानते हुए कि उनके विचार पूरे समूह का सिर्फ एक हिस्सा है। ऐसा करते वक्त यह लोग दूसरे क्या सोचते हैं इस बारे में विचार भी करना जरूरी नहीं समझते। आरएसएस प्रमुख के मुताबिक सोशल मीडिया पर लोग अक्सर निजी विश्वासों के बारे में बात करने तक ही सिमट कर रह जाते हैं। यानी कि लोग सोशल मीडिया पर दूसरे क्या सोचेंगे वो नहीं सोचते, बस उन्हें अपनी बातें कहने से मतलब हो जाता है। जी हाँ, मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया पर उनके विचार के बारे में पूछे जाने पर आरएसएस के सरसंघ चालक ने चेतावनी दी कि लोगों को इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सीमाओं को समझने की जरूरत है। जाहिर है, अगर हर कोई अपनी सीमाएं समझ गया तो सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो ही नहीं पाएगा। भागवत का यह भी कहना है कि कई बार सोशल मीडिया पर शेयर किए गए कंटेंट लोगों में गलत फहमी पैदा करते हैं, साथ ही कई मामलों में तो दबाव के बाद ऐसे पोस्ट मजबूरन डिलीट भी करने पड़ जाते हैं। जाहिर सी बात है, अगर कोई किसी ने गलत टिप्पणी भी कर दी होती है, अब वो कोई किसी व्यक्ति ने की हो या किसी पार्टी की तरफ से की हो, और वो बाद में पता चले कि इसमें ये खामी है तो वो डिलीट भी कर देते हैं, और पता चले कि ये गलत चला गया है तो वो डिलीट कर देते हैं, या पता चला कि अब दांव उनका उल्टा पड़ गया है तो वो डिलीट कर देते हैं। आरएसएस प्रमुख ने फेसबुक के नाम को भी गलत बताया। उन्होंने कहा कि फेसबुक के नाम से ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत तौर पर यह आपके चेहरे के लिए एक मंच है। इसे अर्थ में देखा जाए तो लोग और ज्यादा आत्म केंद्रित होते जा रहे हैं। भागवत ने कहा, व्यक्तिगत स्तर पर खुद की प्रशंसा करना महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन संस्थागत स्तर पर इसे सही नहीं माना जा सकता। इसलिए संघ का अपना फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट है, लेकिन मेरा कोई सोशल मीडिया पेज नहीं है, भविष्य में कभी होगा भी नहीं। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि मेरा कोई इस पर सोशल मीडिया, हालांकि एक संघ का है, जो उनका संघ है उसका फेसबुक पेज है, ट्विटर पर अकाउंट है, लेकिन उनके उनका अपना पर्सनल पर्सनल कह लीजिए या व्यक्तिगत कह लीजिए, उनका कोई नहीं है। और वो उन्होंने कहा है कि ना है और ना भविष्य में होगा, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं। वो इस बात को भलीभांति समझते हैं कि अगर वो ट्वीट करेंगे उनकी बातें महज एक समूह का एक हिस्सा हो सकती हैं, पूरा समूह नहीं। जी हाँ, और इसीलिए उनकी पार्टी का आरएसएस का फेसबुक पेज है, आरएसएस का ट्विटर अकाउंट है, लेकिन उनका नहीं है। शायद वो इस उससे बचते हों कि आखिर वो कोई टिप्पणी करें या किसी को राय दें तो शायद किसी को गलत लगे, किसी को कैसी लगे, या फिर उनके व्यक्तिगत टिप्पणी से किसी को आहत हो, किसी को ना जाने कैसी लगे, और वो ये भी नहीं चाहते कि जब ये कोई बयान करते हैं तो कोई उनके लिए भद्दे कमेंट करे। जाहिर सी बात है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है कि प्रशंसा के लिए किया जाता है, कमेंट्स के लिए किया जाता है, और आजकल का दौर ऐसा है प्रशंसा भी खूब होती है, और या यूं कहें कि भद्दे कमेंट की भी खूब बाचार होती है। अब चाहे वो कोई आम आदमी हो या फिर कोई सेलिब्रिटी हो, दोनों के लिए ही हम देखते हैं कि अगर कोई भी वो अपना ट्वीट करे तो उस पर कमेंट की, भद्दे कमेंट्स की कहें तो बौछार हो जाती है। और इसलिए शायद मोहन भागवत इससे दूर है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर पहचान मेरी नहीं बल्कि आरएसएस की होनी चाहिए, और वो इस बात को भली भांति कहते हैं कि ट्विटर पेज मेरा नहीं या फिर फेसबुक पेज मेरा नहीं बल्कि पार्टी का है,
मेरा कुछ नहीं है, ना मैं इसे यूज करता और ना भविष्य में करूँगा। तो जाहिर सी बात है, लेकिन इन सब चीज़ों का अगर सदुपयोग हो तो अच्छी चीज़ है, लेकिन इन सब चीज़ों का जब दुरुपयोग होता है तो ये चीज़ें खुद पर हावी होने लगती हैं, खुद पर और समाज पर। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी जोरदार खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।